टू जेड संपूर्ण जानकारी बतलाने वाले हैं। पान एक ऐसी खेती है जो आप कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पान की उन्नत खेती की यानी टाइमिंग, खाद, फर्टिगेशन और वहाँ का जो मंडप होता है पान की खेती के लिए, वह किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पान की खेती भारत में लगभग 50,000 हेक्टेयर पर की जाती है। पान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी बढ़वार, ग्रोथ ठंडे और छायादार वातावरण के लिए उपयुक्त है। किसान भाइयों, पान की खेती बांस के मंडप तैयार करके की जाती है, जिसे सामान्य बोलचाल पर वरेजा भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक लतादार पत्ते की खेती है। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। पान की खेती आप मार्च और अप्रैल महीने पर पान की खेती कर सकते हैं। यह सबसे बेहतर टाइम माना जाता है। बात करते हैं मिट्टी यानी सोयल। तो पान की खेती आप लगभग सभी प्रकार की मिट्टी पर खेती की जा सकती है, लेकिन मृदा का पीएच लगभग 5.5 से 7.5 के आसपास मिट्टी का पीएच होना चाहिए। और उत्तम जल निकास वाले खेतों पर आप पान की खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी पर, पीली मिट्टी पर, काली दोमट, बलुई मिट्टी पर आप पान की खेती कर सकते हैं। पान की खेती ऐसे स्थानों पर करनी चाहिए जहां बरसात हो जाने के बाद पानी तुरंत खेत से बाहर निकल जाए। बात करते हैं पान की खेती करने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर। तो जो तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। पान की खेती कृत्रिम मंडप बनाकर ही यानी छायादार स्थानों पर ही पान की खेती की जाती है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, उन्नत किस्में। तो किसान भाइयों, जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 100 से भी अधिक किस्में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। ये है बांग्ला और कटक। हमने दो वैरायटी लगा रखी हैं। आप कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसान भाइयों, बात करते हैं खेत तैयार। तो जिस स्थान पर आपको पान की खेती करना है, सबसे पहले हल्की गहरी जुताई कराइए और आप उस पर आई का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में मोनोक्रोटोफॉस, प्रोफेनोफॉस, सल्फर मेथिन, कॉन्फिडोर, रोगोर, रॉकेट जैसे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और नीला थोथा, नीम ऑयल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कलम लगाने के 2 से 2.5 महीने बाद पान की फसल हार्वेस्टिंग के लिए यानी पत्ते तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और यदि खाद के बारे में बात करें तो पान की फसल पर आप DAP, यूरिया, माइक्रो न्यूट्रियन, NPK 1919, मैग्नीशियम सल्फेट जैसी खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। पान की फसल पर फंगस कंट्रोल करने के लिए आप मैंकोजैब, कार्बेंडाजिम, टेबुकोनोजोल, हेक्साकोनोजोल, डाइमेथमोर्फ जैसी फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। और ग्रोथ के लिए टॉनिक जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर सागरिका, पोषक सुपा, ईसाब्योन का आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, पान की फसल पर पीलापन दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट आधा एकड़ में 10 किलोग्राम की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। पान की फसल पर रस चूसक कीट और वाइट फ्लाई की रोकथाम करने के लिए आप 15 लीटर पानी में कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड 15 ग्राम प्लस प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रीन 15 ml और फिश ऑयल 30 ml। अब फिश ऑयल क्या काम करता है? सफेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए काफी सक्षम है। फिश ऑयल 30 ml, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं पान की फसल पर सिंचाई। तो सिंचाई आवश्यकता अनुसार मिट्टी पर निर्भर करती है, तो आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। लगभग 4 से 5 दिनों के अंतराल पर, 5-5 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। और निर्भर करता है कि हमारी पान की फसल पर आवश्यकता है या फिर नहीं है। किसान भाइयों, यदि आप पान की खेती 50 डिसमल यानी आधा एकड़ पर करना चाहते हैं, तो जो आपको लागत लगने वाली है संपूर्ण कॉस्ट को जोड़कर लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की आस है।